जिसने कविता में राष्ट्र चेतना को जन्म दिया। आज ऐसे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्मदिवस है। दिनकर भारतीयता के कवि थे और भारतीयता की, नितांत भारतीय सोच की जितनी जरूरत हमें आज है शायद पहले कभी नहीं थी। बहुत कुछ लिखा है दिनकर ने, लेकिन उनका मास्टर स्ट्रोक है रश्मिरथी। क्यों? क्योंकि उनकी कलम ने देश को एक ऐसा हीरो दिया जिसने अपनी गौरव गाथा किसी ऊंचे कुल वंश की स्वर्ण लेखनी से नहीं, अपनी धमनियों में दौड़ते हुए विद्रोही रक्त से लिखी। वो जो समाज के ठुकराए हुए दलित तबके से आता था, जिसने सूर्यपुत्र होते हुए भी पूरा जीवन भेदभाव के अंधेरे में गुजार दिया, जो राजवंशी होकर भी अभावों में पला, वो छठवां पांडव जिसने कुंती के गर्भ से जन्म लेने के बावजूद जीवन पर्यंत अवैध संतान होने का दंश सहा। वेदव्यास ने कर्ण के गुणों पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उनको महानायक का दर्जा देने वाले तो रामधारी सिंह दिनकर ही थे। और जो अद्भुत बात है वो ये है कि ये महानायक खलनायकों के खेमे से आता था, कौरवों की तरफ से आता था। आज दिनकर के जन्म दिवस पर मैं रश्मिरथी की ये श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। रश्मिरथी में कुल 7 सर्ग हैं। हर बुधवार एक सर्ग मैं आपके साथ बांटूंगा। ये कहानी तो कर्ण की है, लेकिन इसका जादू ये है कि हर सुनने वाले को ये अपनी कहानी लगती है, ख़ास तौर से मेरे और आप जैसे लोग जिनको अपना स्वर्ग बना बनाया या रेडीमेड नहीं मिला, एक एक ईंट हमें खुद रखनी पड़ी। हो सकता है रश्मिरथी की भाषा कहीं कहीं आपको कठिन लगे, लेकिन ये आपकी ही भाषा है, कहीं 7 समंदर पार से नहीं आई, पराई नहीं है। अगर आपकी माँ कोई ऐसी बात कहती हैं जो आपको समझ में नहीं आती, तो क्या आप उसे अनसुना करके चल देते हैं? नहीं ना। दोबारा पूछते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप अंदर से ये जानते हैं कि माँ ने जो भी कहा होगा आपके हित में कहा होगा। हिंदी भाषा भी हम सबकी माँ है। एक बार में ना समझ आए तो दोबारा सुनिए, शब्दकोश में जाकर अर्थ ढूंढिए, लेकिन माँ से आंखें फिरने की गलती मत कीजिएगा। ये भाषा और इसका एक एक शब्द आपके हित में है। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी व्रंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे पूज्य वही प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर, तन से समर शूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास, अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत सदा निज कर मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित वार लिखते हैं वह पुर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल, जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है, पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग,
रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व से फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल, तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ, आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई, गई रह आंख टंगी जन जन की, मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार, फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी, द्रोण भीष्म अर्जुन सभी के सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा, कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान, क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यों ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा, अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन, जाति हाय री जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वो वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति हैं ये मेरे भुज दंड, ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले, सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो, अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान, पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समाज दीपित ललाट से और कमश कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास, अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वो आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे, अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की मैं दूंगा तुझको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो, राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया, बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर, किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया, कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा श्रवण चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार, करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का, बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी ये खुली घोषणा सुने सकल संसार, अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार, कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से, दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होते उद्भ्रांत, किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको, कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह,
वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उऋण भला होऊंगा उसे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिन मान के आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी, चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंगभूमि भर गई चतुर दिक पुल का कुल कल कल से, विनय पूर्ण प्रतिवंदन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके, है कि झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे पक पक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो, बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने तुम्ही कौन हो, बोलो जन्मे थे किस तरह, ज्ञात हो तो रहस्य ये खोलो, अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले छी ये क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है, चलो चलें घर को, देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते, सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा ये राहु नया फिर कौन, जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा, एक लव्य से लिया अंगूठा कढ़ी न मुख से आह, रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह, मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक ये उद्दत भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वो हो सकता है काल, सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा, शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते, कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्त के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से, आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान, और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोस्ती मन को, उजड़ गए हो स्वप्न के जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए, हमारे गांव में बहने उसे राखी न बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। सावन की झड़ी जब लगती है बूंदों में तू ही बरसता है, तू ही तो है जो झरनों के पानी में छुप के हंसता है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 30 सालों से रोजाना मैं क्या सुनता आ रहा हूँ, वो कौन सा म्यूजिक है जो मैंने अपनी होशमंद जिंदगी में लगभग हर दिन सुना है, और ऐसा क्या है उस संगीत में कि सैकड़ों बार सुनने के बावजूद आज भी जब घर से ऑफिस आते हुए गाड़ी में प्ले करता हूँ तो उसके नए नए मायने मुझ पर जाहिर होने लगते हैं। बूंद बूंद के हेतु कभी तुझको तरसाएगी हाला, बूंद बूंद के हेतु कभी तुझको तरसाएगी हाला, कभी हाथ से छिन जाएगा तेरे ये मादक प्याला,
पीने वाले साकी की मीठी बातों में मत आना, मेरा भी गुण यूं ही गाती एक दिवस थी मधुशाला। ये लड़की जो आज तुझ पे कुर्बान है, जो तुझ पे जान लुटा रही है, कभी मुझे भी इतना ही प्यार करती थी। मजास चुप हो गए, बड़ी गहरी चुप्पी और बड़ी गहरी सोच में डूब गए। राजा साहब ने पूछा, किस सोच में डूब गए मियाँ, क्या हुआ? मजास ने बड़े अदब से जवाब दिया, राजा साहब सोच रहा हूँ कि अगर शराब पीना छोड़ दिया तो मैं 400 रुपयों का करूँगा क्या।